पिछला मेरा जो क्लास था उसमें हमने इस बात का अध्ययन किया था कि पवित्र बाइबल क्या है, कब लिखा गया, किसने लिखा, इन सब बातों का अध्ययन किया था। आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि नए जन्म का क्या मतलब है, क्योंकि जब भी आत्मिक जीवन की बात होती है तब सबसे ज़्यादा जिस शब्द का प्रयोग होता है वो है नया जन्म, नया जीवन या उद्धार। ठीक है, आउटलाइन सबके पास है। पॉइंट नंबर एक, यहां जब अपन क्लास लेते हैं या मैं जब प्रवचन देता हूं तब बार बार एक शब्द का उपयोग करता हूं, पाप क्षमा। एक्चुअली पाप क्षमा, उद्धार, नया जन्म, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं और इनमें आपस में क्या संबंध है ये जरा देखना हमारे लिए जरूरी है। इसमें सबसे पहला शब्द जिसका मतलब हमको मालूम होना चाहिए वो है पाप क्षमा। ये ना केवल सबसे पहला शब्द है बल्कि मेरे आपके आत्मिक जीवन में जो नया जीवन आता है उसमें पहला शब्द है पाप क्षमा। क्या मतलब है पाप क्षमा का? पाप क्षमा का मतलब शब्द से ही व्यक्त है, हम में से हर व्यक्ति पापी है। अपन लोग रोमियो 3:23 को अच्छी तरह से जानते हैं, सबने पाप किया है। रोमियो 6:23 में हम पढ़ते हैं पाप की सजा है मृत्यु। तो चूंकि हम सब ने पाप किया है इसलिए हम में से हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि हम पाप से क्षमा प्राप्त करें। जब हम प्रभु यीशु के पास जाकर सूली पर प्रभु से पाप की क्षमा मांगते हैं तब प्रभु हमको क्षमा देते हैं, यह है पाप क्षमा। ये चीज हम सब जानते हैं। रोमियो 6:23 में ये भी लिखा हुआ है पाप की सजा है मृत्यु, लेकिन हमारे प्रभु यीशु में परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु के द्वारा नव जीवन है या नया जीवन है। उसके और उसके अलावा प्रभु के वचन में पाप क्षमा से संबंधित जो कहा गया है जब हम उन सब का अध्ययन करते हैं तो उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जब भी एक पापी, कौन है पापी? हम सब पापी हैं। जब भी एक पापी प्रभु यीशु के पास जाकर प्रभु से याचना करता है, अनुरोध करता है, प्रभु मैं पापी हूँ, सूली पर मुझ पापी के लिए आपने अपना जीवन अर्पित कर दिया और चूंकि सूली पर मुझ पापी के लिए आपने अपना जीवन अर्पित कर दिया इसलिए मैं मान लेता हूँ कि आपने मेरे लिए आपने अपना जीवन सूली पर अर्पित किया और इस कारण हे प्रभु आपने सूली पर मेरे लिए जो बलिदान किया है उसके आधार पर मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कर्मों के कारण नहीं, आपने जो किया उसके कारण मुझे क्षमा कर दीजिए। जब हम इस तरह से प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, याचना करते हैं तब प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। पाप क्षमा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इस कारण जब हमको पाप क्षमा मिल जाती है तब उसके साथ साथ अगली चीज मिलती है वो है नया जन्म। आपके हाथ में जो नोट्स हैं उसमें तीसरा पॉइंट है नया जन्म। ये नया जन्म क्या है? जब एक आदमी को पाप से क्षमा मिल जाती है तब उसको प्रभु एक नई हैसियत देते हैं, नई पहचान देते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में चुन लेते हैं, लेने के बाद आपको अफसर नियुक्त कर दिया जाता है और जब आपको अफसर नियुक्त कर दिया जाता है तो आपकी हैसियत बदल जाती है। कल तक सड़क पे चलता हुआ लड़का था, बच्चा था, जवान था, आज अफसर है। इसी तरह से जब हम प्रभु के पास जाकर पाप से क्षमा मांगते हैं तो प्रभु ना केवल हमको पाप क्षमा देते हैं बल्कि हमको एक नई पहचान देते हैं। इसके बारे में दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है,
मतलब यदि कोई व्यक्ति जाकर प्रभु यीशु से पाप क्षमा के लिए विनती करता है या रिक्वेस्ट करता है, तो ना केवल उसको पाप से क्षमा मिलती है बल्कि प्रभु उसको एक नई सृष्टि बना देते हैं। कैसी सृष्टि बनाते हैं ये आगे लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। मतलब आज तक मैं और आप जिन्होंने, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने प्रभु से क्षमा नहीं पाई है, वे लोग पाप की सजा से डरते डरते हुए जीवन बिताते हैं। क्यों? इसलिए कि सबने पाप किया है और पाप की सजा है मृत्यु। लेकिन जब पाप क्षमा मिल गई तो मैंने पाप किया है लेकिन पाप की जो सजा है उससे प्रभु ने मुझे मुक्ति दी है। इस तरह से पुरानी बातें बीत गई हैं और प्रभु का वचन कहता है कि ये सारी बातें नई हो गई हैं। एक सवाल ये उठता है, फिर भी प्रभु के वचन से हमने देखा सबने पाप किया है, फिर भी ये प्रश्न बार बार हमारे मन में आ सकता है कि शास्त्री सर, अच्छे कार्य करके हम पाप से कुछ मुक्ति पा सकते हैं क्या? प्रभु का वचन ये बात याद दिलाता है, रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारा स्वभाव ही पाप से भरा हुआ है, और चूंकि हमारा स्वभाव ही पाप से भरा हुआ है इसलिए कौन सा अच्छा काम करेंगे, कौन सा अच्छा काम कर सकते हैं जिसके द्वारा हमको पाप से क्षमा मिल सके? कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। मान लीजिए एक आदमी सड़ी हुई गंदी नाली में गिर जाता है और नाली से बाहर आके आपको कहता है कि मैं तुमको स्नान करवा दूं, तो आप हंसेंगे, है ना, कि भैया अपनी हालत तो देखो, तुम पहले अपने आप को स्नान कर लो। प्रभु के सामने एक पापी की स्थिति ऐसी ही है, अपने आप को साफ कर लो। लेकिन साफ कर सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए कि मनुष्य तो जन्म से ही पापी है, जो जन्म से पापी है वो अपने आप को साफ नहीं कर सकता, इसलिए मनुष्य को पाप क्षमा की जरूरत है। और मान लीजिए, मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे पाप क्षमा की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसा ही जीऊंगा जैसा अभी हूँ। उसके बारे में यूहन्ना 3:3 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:3 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे, मतलब यदि कोई व्यक्ति नया जन्म ना पाए तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नया जन्म कैसे पाते हैं वो इसके पहले मैंने याद दिलाया था, जब हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं तब नया जन्म पाते हैं। हमारा एक विशेष प्रकार का जन्म होता है, उसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे, अपने पाप में जीवन बिताने की कोशिश करे, तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। इसका मतलब यह है, देखिए जो भी इस संसार में आया है सबको जाना पड़ेगा। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसको प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। तो जिस व्यक्ति ने कभी पाप क्षमा नहीं पाई है वो जब प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा उसकी क्या हालत होगी? प्रभु एक एक करके हमको बुलाएंगे, शास्त्री, यस सर, जी प्रभु, तुमने पाप क्षमा पाई क्या? और यदि मैं जवाब देता हूँ प्रभु मैंने बहुत कर्म किए, प्रभु का प्रश्न ये होगा, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने कर्म किए क्या, मेरा प्रश्न ये है तुमने पाप क्षमा पाई है क्या? और यदि मैं बोलूँ कि प्रभु आज से 50 साल पहले मैंने प्रभु यीशु से पाप क्षमा मांगी और प्रभु ने मुझे पाप से क्षमा दी थी, तो प्रभु कहेंगे शाबाश मेरे बच्चे, पाप क्षमा जब तुमने प्रभु से अनुरोध किया, याचना की, तब मैंने तुमको न केवल पाप से क्षमा प्रदान की, तुमको एक नया जन्म भी दिया, और इस कारण तुमको न केवल पाप से क्षमा मिली है मेरे बच्चे, तुम तो मेरे परिवार में जन्मे हुए हो, और इस कारण तुम शाश्वत जीवन में प्रवेश करोगे। उसके बदले यदि ये मैं कहूँ प्रभु मैंने बहुत अच्छा जीवन बिताने की कोशिश की थी, प्रभु का जवाब यह होगा, देखो तुमको 100 बार ये बात सुनाई गई थी
कि कोई भी आदमी अपने स्वयं के कर्मों से पाप क्षमा नहीं पा सकता। तुमको ये बात हजार बार सुनाई गई थी कि प्रभु यीशु से पाप क्षमा मांगो, तुमने पाप से क्षमा क्यों नहीं मांगी? मेरा मुंह बंद हो जाएगा, प्रभु कहेंगे मैंने तब भी तुमको बताया था, आज भी तुमको कह रहा हूँ, तुमने पाप क्षमा नहीं पाई इसलिए तुम शाश्वत नरक में जाओगे। जब तुमको मौका दिया था, जब तुमको मौका मिला था, उस समय तुमने पाप से क्षमा नहीं मांगी। किसकी गलती है? मुझे मानना पड़ेगा कि मेरी गलती है। जब प्रभु दान के रूप में दे रहे हैं और यदि वो दान मैंने स्वीकार नहीं किया, उसका तिरस्कार कर दिया, तो प्रभु जिम्मेदार हैं क्या? मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, अच्छा, आगे पांचवे पॉइंट को जरा खोल लीजिए। यदि कोई पाप क्षमा ना पाए तो जो होगा वो प्रभु के वचन में व्यक्त बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है 3:23 में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ठीक है, 3 यूहन्ना 3:18 में क्या लिखा हुआ है? जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मैंने क्या बोला था इसके पहले? जब प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे, तब ये नहीं देखा जाएगा कि मैंने और आपने कितने अच्छे काम किए। प्रभु के वचन में पुराने नियम में लिखा हुआ है कि मनुष्य जो अच्छे से अच्छा कार्य करता है वो प्रभु के सामने फटे मैले बदबूदार चिथड़ों के समान है। इस तरह से फटे बदबूदार मैले चिथड़ों से कोई अपना मुंह पोंछता है क्या? मुंह पोंछने के लिए तो हरेक को साफ से साफ कपड़े की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो मेरा और आपका कर्म है वो प्रभु के सामने इस तरह से फटे मैले कुछ बदबूदार कपड़ों के समान है। इसीलिए यहां लिखा है विश्वास करना है। विश्वास क्यों करना है ये सवाल ही है। देखिए यूहन्ना 3:18 में लिखा है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यहां विश्वास का क्या मतलब है? विश्वास का मतलब यह है मैं अपने कर्मों के द्वारा, मैं अपने मलिन गंदे कर्मों के द्वारा प्रभु से मुक्ति पाने के बदले मैं जाकर प्रभु यीशु ने मेरे लिए जो किया है उस पर विश्वास लाता हूँ, उसके आधार पर माफ़ी मांगता हूँ तो मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। पाप की सजा है मौत, लेकिन जब मैं विश्वास से प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में मान लेता हूँ, प्रभु से क्षमा मांगता हूँ, तो उसके साथ साथ मुझ पर से जो दंड की आज्ञा है वो मिट जाती है, हटा दी जाती है। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। एक बात बताइए, अपन सब लोग सड़क पर जाते हैं, ठीक है, सड़क पर जाते समय सड़कों पे सफेद लाइनें मिलती हैं, कई सड़कों पे पीली लाइन होती है। पीली लाइन का क्या मतलब है? कभी आपने ध्यान दिया है क्या? कहीं सफ़ेद है कहीं पीली लाइन है। उन्होंने मन मर्जी, सफ़ेद पेंट था इसलिए सफ़ेद लाइन बना दिया और पीला पेंट था इसलिए पीली लाइन बना दी? नहीं, सड़क पर पीली लाइन का मतलब है किसी भी हालत में इसको क्रॉस नहीं करना है। ये सबको ये बात मालूम होनी चाहिए, किसी भी हालत में पीली लाइन क्रॉस नहीं करनी है। मान लीजिए कि बाकायदा वीडियो कैमरा आपका फोटोग्राफ ले रहा है, आप कार चलाते हुए आ रहे हैं या मोटर बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, बाकायदा कैमरे में दिख रहा है कि आप पीली लाइन के अंदर अंदर ड्राइव कर रहे हैं, अचानक आपकी इच्छा होती है कि मैं जरा पीली लाइन को क्रॉस कर लूँ। क्रॉस करने के बाद आपका चित्र वहाँ ऑफिस में पहुँच जाता है,
मजिस्ट्रेट आपको बुलाता है या जो भी अफसर है बुलाता है, उससे पूछता है कि देखो तुमने पीली लाइन क्रॉस क्यों की। कोई जवाब होगा क्या? कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आपने आज्ञा का उल्लंघन किया है। लेकिन मान के चलिए कि आप जा रहे हैं और किसी ने आपको टक्कर मार दी और टक्कर के कारण आपकी गाड़ी जो है वो पीली लाइन के बाहर चली जाती है, आपको सजा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। क्यों? आप अपनी गलती से नहीं बल्कि किसी दूसरे ने आपको धक्का देके बाहर किया था, सजा मिलेगी उसको। तो मनुष्य जो सजा देता है, इन सब के नियम बहुत स्पष्ट हैं। प्रभु ने भी मनुष्य के लिए इसी तरह से जो नियम रखे हैं वो बहुत स्पष्ट है। फर्क इतना है कि प्रभु के बनाए हुए नियम बहुत उदार हैं। प्रभु कहते हैं बच्चे तुम अपने पाप की क्षमा अपने आप नहीं पा सकते, मेरे पास आओ, मैंने उसका इलाज कर दिया है। तो जब प्रभु ने टाइम दिया है उस टाइम हम प्रभु के पास चले जाएं तो पाप से क्षमा मिलेगी। लेकिन प्रभु ने जो समय रखा है कब तक का रखा है? जब तक हम इस जिंदगी में हैं। इस जिंदगी को जब पीछे छोड़ जाएंगे, कल को जब प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, तब यदि कहें कि प्रभु अब मैं आपको मुक्तिदाता मान लेता हूं, कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। हर चीज का एक कायदा होता है, हर चीज का एक कानून होता है। उसी तरह से प्रभु से पाप से क्षमा प्राप्त करने के लिए भी एक कायदा है, और वो कायदा यह है मनुष्य के लिए एक बार मरना, और उसके बाद क्या है? उसके बाद तो सिर्फ न्याय ही न्याय है, उसके बाद पाप क्षमा के लिए मौका नहीं होगा। जिसका मतलब यह है कि इस संसार को छोड़कर जाने से पहले हमको पाप से क्षमा का इंतजाम कर लेना चाहिए। इसीलिए यूहन्ना 3:18 में लिखा है जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अच्छा, मैं बार बार आज संदेश के आरंभ से एक शब्द का उपयोग कर रहा हूं और वो है नया जन्म। किन किन शब्दों का हमने आज उपयोग किया था देखिए, पॉइंट नंबर एक पन्ना एक पर है, पाप क्षमा, उद्धार, नया जन्म, ये कई शब्द मैंने आज आपके सामने रखे थे। तो अब एक प्रश्न ही आता है कि ठीक है शास्त्री सर, जब हम प्रभु से पाप की क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमको पाप से क्षमा देते हैं और प्रभु उसके बाद हमको नया जन्म देते हैं, उसके बाद से मेरा मतलब है उसके साथ साथ नया जन्म देते हैं, किस तरह का जन्म है? दुनिया में जो जन्म है वो तो हम सब ने देखा है। हम सब ऐसे परिवारों से आए हैं जहाँ या तो हम हमारे अपने बच्चे हैं या भाई बहनों के बच्चे हैं या नाती पोते, इस तरह से कई हैं। इसलिए एक शिशु संसार में कैसे जन्म लेता है इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये नया जन्म, एक बात तो स्पष्ट है, सांसारिक जन्म की चर्चा नहीं हो रही है। क्यों? यदि सांसारिक जन्म की चर्चा हो रही होती तो यहां सिर्फ जन्म कहा गया होता। यहां प्रभु के वचन में बार बार जो शब्द आया है वो है नया जन्म। ये क्या है? इसके बारे में यूहन्ना के 3:6 में हम पढ़ते हैं। यह छठा पॉइंट है, छठवें पॉइंट में हम देखते हैं यूहन्ना 3:6, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम सब ने शरीर से जन्म लिया है, हम सब ने इस संसार में अपनी माँ के शरीर से जन्म लिया है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, यह है हमारा पहला जन्म। आगे जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, यह है जिस नए जन्म की मैं बात कर रहा हूं। आत्मा से जन्म कैसे होता है आप पूछेंगे? देखिए, जब हम जाकर प्रभु के सामने खड़े होकर मान लेते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे पाप से क्षमा प्रदान कीजिए, तो
तो मेरे दिल में, मेरे जीवन में कौन कार्य करता है? पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। हम तीन शब्दों को अच्छी तरह से जानते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपस में क्या संबंध है, ये सारी बातें प्रभु ने मदद की तो हम आगे देखेंगे। जब हम त्रिएकत्व नाम का उपदेश का अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे। अभी फिलहाल इतना मानकर आगे चलें कि जब भी कोई पापी प्रभु के पास जाकर पाप से क्षमा मांगता है तो उसके जीवन में जो भी बदलाव आना है, पचासों तरह के बदलाव आते हैं, ये सारे बदलाव पवित्र आत्मा हैं जो उसके जीवन में लाते हैं। तो जब एक व्यक्ति प्रभु के पास जाकर पाप से क्षमा मांगता है तो उस समय पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को एक नया जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए लिखा है जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आज से 60 साल पहले इस बात को समझकर मैंने अपने पिताश्री के सामने घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अपने स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता, आज मैं आपकी उपस्थिति में आकर आपसे विनती करता हूँ कि मेरे पापों को क्षमा कर दें, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे शाश्वत जीवन प्रदान करें। उस क्षण प्रभु ने मुझे पापों से क्षमा प्रदान की, उस क्षण पवित्र आत्मा ने मुझे एक नया जीवन दिया। एकदम से मेरे स्किन का कलर नहीं बदल गया, मेरे चेहरे का रंग नहीं बदल गया, सर पे दो सींग नहीं उगाए, आत्मिक रूप से एक जन्म प्रभु ने मुझे दिया। वो है आत्मा के द्वारा जन्म। और इस कारण जब से मुझे उस नए जन्म का, मैं उस नए जन्म के अनुभव से होकर गुजरा, तब से मुझे इस बात का यकीन है कि यदि मैं इस संसार को आज अभी इस क्षण छोड़ जाऊंगा तो भी मैं प्रभु की उपस्थिति में पहुंचूंगा। तो जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है का पहला मतलब ये है। दूसरा मतलब ये है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है का मतलब है, जिसने इस संसार में एक जन्म लिया है वो संसार में आया नश्वर है, वो जब इस संसार को छोड़ जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाएगा। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है का मतलब है, जिसने ये नया जन्म पाया है वो जब इस शरीर को छोड़ जाएगा तब भी सदा सर्वदा प्रभु की उपस्थिति में रहेगा। तो प्रश्न ये था कि पाप क्षमा के समय मिलने वाला जन्म किस प्रकार का है। पाप क्षमा के समय मिलने वाला जन्म आत्मिक जन्म है, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया जन्म है। चूंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया जन्म है इसलिए हमारे आत्मा में बदलाव आता है। जो कोई प्रभु में है वो नई सृष्टि है के हिसाब से हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। आगे के पद को देखें, यूहन्ना 1:12, जब ये नया जीवन मिलता है तब हमारे जीवन में कई प्रकार के बदलाव आते हैं। किस प्रकार के बदलाव आते हैं, यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, मतलब प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में प्राप्त किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या मतलब, हम अपने माँ बाप की संतान हैं। मेरा नाम आप जानते हैं, ऑफिशियल नाम जॉनसन सी फिलिप है। फिलिप नाम इस बात को हमेशा याद दिलाता है कि मैं फिलिप नाम के व्यक्ति की संतान हूँ। ठीक है, हम सरनेम लगाते हैं नाम के साथ, जो इस बात को बताता है कि हम फलाने परिवार में पैदा हुए। यहाँ लिखा है जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मतलब कि हमारा नाम बार बार हमको याद दिलाता है कि हम इस संसार के एक परिवार में जन्म लिए हुए लोग हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है तो वो ईश्वर के परिवार का अंग हो जाता है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है, कॉन्फिडेंस है कि संसार में मैंने फिलिप नाम के एक व्यक्ति के परिवार में जन्म लिया
लेकिन जिस क्षण मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था उस समय परमेश्वर के परिवार में भी जन्म लिया। इस कारण मैं एक नया व्यक्ति हूँ। ना केवल मेरे पास ये शरीर है, ना केवल ये शारीरिक जन्म हुआ है, बल्कि मेरा आत्मिक जन्म हुआ है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यहाँ आगे हम देखते हैं, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। फिर से प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जो भी व्यक्ति प्रभु के पास जाकर प्रभु को प्रभु से पाप क्षमा मांगता है और ये विश्वास करता है कि प्रभु उसको पाप क्षमा देंगे, वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है। आगे उस जन्म के बारे में एक और विशेषता बताई गई है। ऐसे लोग हैं वे, मतलब ऐसे लोग ना तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये ना तो लोहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब एक व्यक्ति नया नया शादी करता है, आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, तो जब शादी हो जाती है तो उसके बाद माँ बाप, जो नाना नानी होंगे, कल को जो दादा दादी होंगे, जो बुआ फूफा मामा होंगे, वो सब इस बात के इंतजार करते हैं कि उस परिवार में एक शिशु का जन्म हो। यह शरीर की इच्छा से जन्म, उन सी ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की, मनुष्य की इच्छा होती है कि जब एक परिवार में शादी होती है तो मनुष्य की इच्छा होती है कि उस परिवार में एक नया शिशु, एक या एक से अधिक प्रवेश करें। लेकिन प्रभु का वचन ये बताता है कि आत्मिक रूप से प्रभु हमको जो नया जीवन देते हैं वो न लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से। फिर कैसे उत्पन्न होते हैं? परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस सभा में इस तरह के काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आज से कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले प्रभु के पास जाकर प्रभु से पाप क्षमा की याचना की थी। जिन लोगों ने प्रभु से पाप क्षमा की याचना की थी वे सब लोग परमेश्वर से जन्म लिए हुए लोग हैं। हमें इस बात को जानना चाहिए कि जिस क्षण हमने प्रभु से पाप की क्षमा मांगी उस समय हमने परमेश्वर से जन्म, परमेश्वर से ना केवल पाप से क्षमा पाई बल्कि एक नया जीवन भी पाया। आप पूछेंगे कि शास्त्री सर, जब हमने नया जीवन पाया तब ना तो हमारा रंग बदला, ना चेहरा बदला, ना कुछ बाहर से बदलाव आया, हम कैसे जान सकते हैं कि वाकई में मैंने नया जन्म पाया है? इसका उत्तर भी प्रभु के वचन हमको देता है। पहला यूहन्ना 2:29 है ये, पहला यूहन्ना 2:29 हमको याद दिलाता है, यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। क्या मतलब? यदि तुम जानते हो कि प्रभु धार्मिक हैं तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का कार्य करता है वह प्रभु से जन्मा है। तो किस तरह से हमको यह बात पता चलेगी कि हमने नया जीवन पाया है? हमारे अंदर से सत्कार्य, अच्छे कार्य, धर्म के कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जब यह इच्छा होनी चाहिए कह रहा हूं, कई बार ऐसा भी होता है कि जिसने प्रभु यीशु के द्वारा नया जीवन पाया है वो मनमाना पाप में जीवन बिताता है, उसकी बात नहीं कर रहे। एक सामान्य व्यक्ति जब प्रभु यीशु के द्वारा ये पाप क्षमा और नया जन्म कर जो पा लेता है तो उसके जीवन में सही कार्य करने की इच्छा होती है, धर्म के कार्य करने की इच्छा होती है। प्रभु ने मुझे जो क्षमा दी है वो क्षमा दूसरों को बताने की इच्छा होती है। और प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि हमारे जीवन में ये जो बदलाव आया है, यह बदलाव इस बात को दिखाता है कि वाकई में हमने आत्मा के द्वारा जन्म पाया है, हम परमेश्वर की संतान हैं। इसी पुस्तक के 3 अध्याय के 9 और 10 पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं,
पहला यूहन्ना 3:9-10 में हम पढ़ते हैं, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के कार्य नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। मतलब मेरा नया जन्म हुआ है या नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ या नहीं, इसको दो तरीके से जाना जा सकता है। पहला, पॉजिटिव कार्यों के द्वारा। पॉजिटिव कार्य कैसे, अच्छे कार्य कैसे? मेरे जीवन में अब एक इच्छा है अच्छे कार्य करने की, उसके द्वारा ये पहचाना जा सकता है कि मैं नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूँ। नंबर दो, लेकिन यदि मेरा जीवन पाप से भरा हुआ हो, मैं दावा कर रहा हूँ कि मैंने नया जन्म पाया है, लेकिन ना तो मैं किसी को माफ़ करता हूँ, ना सच बोलता हूँ, ना धर्म के कार्य करता हूँ, जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है, फिर तो शक करना पड़ेगा कि नया जन्म हुआ है या नहीं। आप कह रहे हैं कि लालटेन में हमने जो है मिट्टी का तेल डाला था, उसकी बत्ती जो है आज ही तो उसकी सफाई की है, लालटेन का जो कांच है उसको अच्छी तरह से पोंछा था, और सब करने के बाद हमने माचिस की काड़ी जला के लालटेन में आग भी दी थी, और लोग जाके देखें लालटेन को चारों तरफ से, उसमें तो कोई आग नहीं है, उसमें तो कोई रोशनी नहीं है। छू के देखें, भैया मान के चलो कि अभी तक लालटेन जो है वो जल है, उसमें रोशनी थी, अभी अभी बुझ गई हो, तो लालटेन छूने से पता चल जाएगा, क्यों? गर्मी तो अभी उसमें होगी। छू के देखते हैं तो पता चलता है कि बर्फ के समान ठंडा है, तो आप एकदम समझ जाते हैं कि जिसने भी कहा कि मैंने उसको साफ करके मिट्टी का तेल डाल के उसमें आग दे दिया था, बत्ती को जला दिया था, वो गलत बोल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि लालटेन बाकायदा रोशनी दे रही है, तो रोशनी दे रही है तो उसका मतलब है कि किसी ने साफ सफाई करके, रखवाली करके, मिट्टी का तेल डाल के बत्ती को आग दिया है। जब एक व्यक्ति के जीवन को देखते हैं तब उस व्यक्ति के कर्मों को देखकर उससे अनुमान हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है उस व्यक्ति के जीवन को उसके कर्मों को देखकर यह अनुमान हो जाता है कि उसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है या नहीं किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, प्रिय भाई प्रिय बहन, आपने प्रभु को, प्रभु के पास जाकर, प्रभु को मुक्तिदाता जानकर, प्रभु से पाप क्षमा मांग के, प्रभु से पाप की क्षमा पाई है, इस पाप क्षमा का जो प्रमाण है वो आपके जीवन में दिखता है क्या? दिखना चाहिए, और यदि नहीं दिखता है तो दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि आपने पाप क्षमा कभी प्रभु से मांगी ही नहीं। लेकिन आप कहेंगे, नहीं शास्त्री सर, मैं तो बहुत ही मन की खराई के साथ मैंने प्रभु से पाप की क्षमा मांगी है। तो फिर इसका मतलब है कि पाप क्षमा पाने के बाद जिस दिशा में आपकी गाड़ी जानी चाहिए थी, जिंदगी की ये गाड़ी जिस दिशा में जानी चाहिए थी, उससे गलत दिशा में गाड़ी जा रही थी, इसलिए आपके जीवन में सत्कर्म अच्छे कर्म नहीं दिखते हैं। आज जरा अपने आप को जांच कर देखें, आपने कब ये नया जीवन पाया, कब पाप क्षमा पाई? पाप क्षमा पाने के बाद आपके जीवन के कर्मों के द्वारा पाप की क्षमा दिखती है क्या? दिखती है तो और अधिक धार्मिकता के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु आपकी मदद करें। यदि आप कहें कि कभी अच्छे कर्म नहीं दिखे, फिर तो जरा देखना पड़ेगा कि आपने वाकई में पाप की क्षमा मांगी थी या नहीं। यदि आप कहें, शास्त्री सर जब पाप क्षमा मिली थी तब तो अच्छे कर्म करते थे, आजकल पता नहीं हम ठंडे हो गए हैं। हाँ, ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है जब हम अपने जीवन में ठंडे पड़ जाते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं। यदि इस तरह से आप में से किसी के जीवन में हुआ हो तो मेरा अनुरोध है वापस आ जाएं, क्योंकि आत्मिक जीवन में प्रभु से दूर हट जाना
बहुत मुसीबत का काम है। आगे हम देखेंगे कितनी भारी मुसीबत है। अभी मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ, जिसने भी प्रभु से पाप क्षमा पाई है वो प्रभु से दूर हटकर जीवन ना बिताए। आज आखिरी पॉइंट जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है, ठीक है पाप क्षमा मिल गई, नया जीवन मिल गया, अब क्या कैसा परिणाम देखना चाहिए। दसवां पॉइंट है इफिसियों नामक पुस्तक के दूसरे अध्याय के आठवें पद से हम इस तरह से पढ़ते हैं, इफिसियों 2:8 से आगे, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मतलब प्रभु के पास जाके जब हमने पाप क्षमा मांगी, प्रभु के अनुग्रह के कारण हमको एक नया जीवन मिला, उद्धार मिला। ये तुम्हारी ओर से नहीं, मतलब तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। नौवां पद, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, मेरे आपके कर्मों के कारण ये नया जीवन नहीं मिला है। ठीक है, अब आता है असली पद जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, दसवां पद, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और प्रभु यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इसका क्या मतलब है? जिसको भी नया जीवन मिला है उसके लिए प्रभु ने पहले से फिक्स कर रखा है, ये ऐसा 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 भला कार्य करेगा। एक बात बताइए, मान लीजिए आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, आपको अपॉइंटमेंट हो जाता है, अपॉइंटमेंट हो गया, आपको आज्ञा दी जाती है कल सुबह 9 बजे आप यहाँ मौजूद रहें, अगले सुबह 9 बजे आप बोरिया बिस्तरा लेके थैला वैला लेके वहाँ पहुँच गए। आप वहाँ पहुँच के जो अफसर है उससे कहते हैं मेरा कल अपॉइंटमेंट हुआ था, काम बताइए, तो अफसर आपको ये जवाब देगा क्या? अरे भाई काम वो तो तुम अपने आप ढूंढो, हमने अपॉइंटमेंट कर दिया है, अब तुमको क्या करना है ये तुम समझो, ऐसा बोलेंगे क्या? जी नहीं, वो आपको कहेगा कल आपका अपॉइंटमेंट फलाने पोस्ट पर हुआ है, ऐसा कीजिए यहाँ से जो तीसरी टेबल है वहाँ जाकर बैठ जाइए, वहाँ एक पर्चा रखा हुआ है, उस पर्चे पे लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या काम करना है। जब आपको एक पोजीशन, एक हैसियत दी जाती है तो देने वाला व्यक्ति आपको ये भी बताता है कि किस आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। उसी तरह से प्रभु का वचन याद दिलाता है कि प्रभु यीशु के द्वारा पाप क्षमा और शाश्वत जीवन पाने के बाद बहुत सारे भले कर्म हमें अपने जीवन में करने हैं। इन कर्मों को तो प्रभु ने अनंत काल में ही तय कर दिया था कि फलाने को फलाना काम करना है, फलाने को फलाना काम करना है। हम में से सबको एक तरह का काम नहीं दिया गया है, यह हम खुद जानते हैं। जब हम सत्संग के लिए आते हैं तो मैं खड़े होकर प्रवचन देता हूँ और अन्य ऐसे भाई लोग जिनको प्रभु ने उस कार्य के लिए बुलाया है, क्योंकि प्रभु ने शाश्वत काल में ही यह निश्चित कर दिया था कि फलाने को फलाना काम दिया जाता है। हम में से हर व्यक्ति को इस तरह के अलग अलग काम दिए गए हैं। तो आज प्रश्न, आखिरी प्रश्न ये था, पाप क्षमा और नए जीवन का परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि हम उन कार्यों को करें जो करने के लिए प्रभु ने फिक्स किए। कब फिक्स किए? शाश्वत काल में प्रभु ने फिक्स कर दिया था कि फलाना कल को जब मेरा बच्चा होगा, मेरे परिवार में जन्म लेगा, तब उसको मैं फलानी फलानी जिम्मेदारियां देना चाहता हूं। आज शाम को ये प्रश्न यहां उपस्थित सभी भाई और बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, आपने प्रभु यीशु के द्वारा पाप क्षमा पाई, शाश्वत जीवन पाया, आपके करने के लिए 50 काम प्रभु ने तय किए हैं, ये 50 काम पढ़ाई से लेकर नौकरी तक, बच्चे पालने से लेकर सत्संग में आपका जो सेवा कार्य है, ये सब उन भले कामों में आते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए फिक्स किए हैं। इन बातों को आपने समझा है क्या? इवन आपकी जो नौकरी है वो प्रभु ने आपके लिए फिक्स किया है, क्यों? इसलिए कि वहाँ आप जब नौकरी करते हैं उसके साथ साथ आपके सत्कार्यों को देखकर वहाँ जो लोग हैं वो प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पा सकें,
प्रभु के पास आकर पाप क्षमा पा सकें। आप यदि फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ आपको प्रभु ने रखा है, जिससे वहाँ आप अपने कार्यों के द्वारा और मनसा वाच्या उन लोगों के सामने एक गवाह बन सकें। तो प्रभु ने ये जो नया जीवन मुझे और आपको दिया है, उस नए जीवन के साथ साथ एक नई हैसियत दी है, प्लस शाश्वत काल में ही प्रभु ने फिक्स कर दिया था फलाने को फलाना फलाना कार्य करना, ये आपने समझा है क्या? नहीं समझा तो प्रभु हमारी मदद करे कि हम अपने जीवन को मोड़ कर देखें, प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या कर्म रखे हैं। मैंने 500 बार अपने आप को जांचा है, इसीलिए तो जब गाने वाली टीम आगे आकर यहाँ खड़े होकर वो लोग गाते हैं तो मैं एक मील दूर चला जाता हूँ। क्यों? इसलिए कि गाने के लिए प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया, मुझे उसकी योग्यता नहीं दी है। लेकिन हाँ, कल को मान लीजिए प्रवचन का समय आता है और मैं उठ के खड़े होकर कहूँ आज तो मज़ा नहीं आया, आज हम प्रवचन नहीं देंगे, और जनता में से कोई उठकर कुछ बोलना चाहे तो बोले, प्रभु की कड़ी सजा होगी मुझ पर। क्यों? इसलिए कि मुझे जिस कार्य के लिए बुलाया है उसके लिए तैयार होकर आना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम में से हर एक को प्रभु ने इस संसार में और आत्मिक जीवन में तमाम तरह की जिम्मेदारियां दी हैं, और प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि जब प्रभु ने हमको पाप से क्षमा प्रदान की, उसके साथ साथ हमारे लिए फिक्स किया कि हमको क्या क्या करना है। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें।